नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर मैं बता रहा हूँ। ठीक, परीक्षा तिथि को लेकर आप लोग बहुत परेशान हो, कमेंट्स आते हैं सर जी डेट कब होगी, सर जी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, सर जी कितना पढ़ा रहे कुछ समझ में, सर जी पढ़ाना बंद कर दीजिए, सर जी पढ़ने में एकदम मन नहीं लग रहा, अब क्या पढ़े। ये अगर जो मैं अभी के हिसाब से देखूं तो ये क्वेश्चंस आने भी चाहिए, क्योंकि 3 साल टाइम होता है, कुछ टाइम होता है, समय होता है, ये जो समय बीता आपका फॉर्म भरने के बाद से, और अभी भी कुछ भी निर्धारित नहीं है कि कब तक आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। कल जो भी टीचर्स एसोसिएशन थे तो उसमें हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी, हमने पहले आपको कम्युनिटी पोस्ट करके बता दिया था, जो लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं उनको चीज़ें पता चलती रहती हैं, उनको मैंने पहले भी बताया था और उनको मैंने पूरा डिटेल भेज दिया कि क्या मीटिंग हुई है, और उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा। ठीक है, तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि कल क्या मीटिंग हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। अभी जो चीज़ें हैं उसके बारे में कल पूरे डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन हम लोग जो 20-22 लोग बड़े बड़े टीचर्स जुड़े थे, ठीक है, जिसमें आगे और भी संभावना है, और भी बड़े टीचर साथ में आने वाले हैं, उसके साथ में मिलके हमें आगे कदम करना है। लेकिन एक चीज जो निष्कर्ष निकला कल की मीटिंग का, कल मीटिंग 10 बजे शुरू हुआ था रात में और चला था ठीक 1 बजे तक, 11, 12, 1, 1:30 बजे तक चला था, यानी कि 3 घंटे लगातार डिस्कशन हो रहा था कि किस प्रकार से चीजें कर सकते हैं। उसमें बड़े बड़े चैनल्स भी थे और हम जैसे छोटे चैनल्स भी थे, सब लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, किस प्रकार से हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, अभी तक हमने ट्विटर कैंपेन बहुत कर लिया, क्या हमें फिजिकल प्रोटेस्ट में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए, इस पर भी डिस्कस हुआ। हमें फिजिकल प्रोटेस्ट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो इन सारे मुद्दों पे कल डिस्कशन हुआ, कल बात हुई। ठीक है, और मैं अभी देखो एग्जाम डेट का कुछ भी पता नहीं चल रहा, सीधी सी बात है, और कल आपको बताया जाएगा। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, इसमें जो निष्कर्ष जो निकला, मैं सीधा सा हिंट देना चाहूंगा कि क्या निकला है, इसमें सीधा सा निकला है कि हम 1 कदम चल लेंगे तो 4 कदम आपको पीछे आना पड़ेगा, साथ में मिलके करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपके द्वारा भी करनी है, कुछ चीजें हम करेंगे, हम आपको इकट्ठा करेंगे। और देखो फिजिकल प्रोटेस्ट ठीक है, अच्छी बात है कि सरकार नहीं सुन रही है, ट्विटर कैंपेन हो या फिर जो भी सोशल मीडिया के थ्रू हम कर रहे हैं, लेकिन करेंगे फिजिकल प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा इसमें जो भी चीजें आपसे कही जाएंगी उसमें करने के लिए, और रेडी रहिएगा। एक वीडियो आपको कल मिलेगा जिसमें डिटेल से आपको बताया जाएगा क्या चीजें कैसे करनी है, सारे टीचर्स हम लोग मिलके आपके साथ हैं, बस जरूरी है कि आप उठ के आगे आओ। देखो यार, क्लास कराने का मेरा भी मन नहीं कर रहा, यही बता कितना पढ़ाए, कोई कैसे पढ़ाए, कमेंट्स जो आते हैं वो आपके ऊपर, आप लोग बताइए क्लास कराना चाहिए या नहीं, ठीक, क्लास कराना चाहिए या नहीं। और हमारे चैनल पर भी फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं जिसमें 25 क्वेश्चन हम डेली कराते थे, मिक्स जीके कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स को लेकर चल रहे हैं, बायोलॉजी स्टार्ट ही करने वाले थे, इसके अलावा हम फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी लेकर आने वाले जिसमें 100 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इन सारे चीज़ों का फायदा तभी देखिएगा ना जब एग्जाम डेट क्लियर होगा, डिक्लेयर होगा, कुछ पता होगा, तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। क्या हुआ, कैसे हुआ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, ठीक, और कल रात में जो मीटिंग हुई उसका क्या निष्कर्ष निकला और क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और एक डेट डिसाइड हुआ है 1 दिसंबर, तो इतना मैं हिंट देके जा रहा हूं आपको, 1 दिसंबर डेट डिसाइड हुआ है। ठीक, कुछ और चीजें होंगी, हम लोग एक चीज को लेके नहीं चलेंगे, 4-5 चीजों को एक साथ करना होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि इसमें आप लोगों का समर्थन जरूरी है, आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। तो चलो इन्हीं सब बातों के साथ हम आपको एक हिंट दिए देते हैं कि कल आपको शाम तक कुछ चीजें क्लियर होते हुए दिखेंगी, क्या करना चाहते हैं हम लोग और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, अभी बस एकदम धैर्य बना के छोड़ा, अगर जो नहीं मन कर रहा पढ़ना, ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ना यार सही नहीं, एकदम से छोड़ देना, ड्रॉप कर देना कि नहीं बंद कर देते तो ये गलत है। ठीक, इसको ये काम मत करना। ठीक, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, मैंने आपको बोला है, पहले भी बोला है, अब भी बोलता हूं कि अगर जो 1 दिन 8 घंटे पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डेली 1 घंटे पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हो बाबू। ठीक है, और निरंतरता, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, इसको मत तोड़ना। ठीक, तो चलो इन्हीं सब बातों के साथ हम मिलेंगे आपसे, और कल एक स्पेशल वीडियो बना के देंगे पूरा, कैसे कैसे क्या किया जाएगा, हाँ, सारे टीचर्स का क्या निष्कर्ष पे निकले हम लोग। और अभी आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम में सबसे पहले चीजें आपको देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम में वीडियो नहीं बनाना, सिर्फ पोस्ट करके बता देना आपको क्या करना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग, ठीक है, हम कल बात करेंगे, ठीक। अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और इस बार यही शपथ लेंगे कि एग्जाम डेट लेकर रहेंगे।